स्वर्गीय श्रीमती सरदेश चोपड़ा जी की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है वो जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर जो है वो अलग अलग पंजाब केसरी समूह के तरफ से जो है वो निःशुल्क जांच केंद्र का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर भी जो है वो फरीदाबाद की बात कर जाए तो आप देख सकते हैं कि आप सिद्धाता आश्रम के अंदर जो है वो इस ब्लड निःशुल्क जांच केंद्र का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसमें कि खुद पंजाब केसरी समूह के जो डायरेक्टर हैं वो अरुण चोपड़ा जी, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, साथ ही साथ सिद्धाता आश्रम के जो मेन संत हैं वो यहाँ पे खुद सुदर्शाचार्य जी महाराज जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि आप तमाम वो लोग भी साथ साथ आए हैं यहाँ पे, जिन लोगों को फायदा उठाने के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो लोग असमर्थ होते हैं कहीं ना कहीं उन सभी को यहाँ पे जो है वो पूरे तरीके से फायदा मिल रहा है। शुरुआत की बात कर जाए तो आज से नहीं पिछले कई सालों से जो है वो पंजाब केसरी समूह इसी तरीके के सामाजिक कार्यों में जो है वो बढ़ चढ़ करके जो है वो भाग ले रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस कैंप में जो है वो लगभग हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और तमाम तरीके की फैसिलिटी की बात कर जाए, तमाम तरीके के चेकअप की बात कर जाए, हर तरीके का चेकअप है यहाँ पे। नेचुरोपैथी भी है, एलोपैथी भी है और आयुर्वेद भी है। तमाम तरीके की जो देख सकते हैं कि एक्यूपंक्चर सिस्टम हो या फिर भौतिक चिकित्सा हो, तमाम तरीके की चिकित्साएं जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हृदय रोग विशेषज्ञ है और साथ साथ देख सकते हैं कि तमाम डॉक्टरों की संपूर्ण टीम जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी और खुद जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि सिद्धाता आश्रम के जो आचार्य हैं पुरुषोत्तम जी महाराज जो है वो अभी फिलहाल इनके साथ पूरे चहल चेकअप का जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उन तमाम चीजों की जो है वो देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि खुद जो है वो आरुष चोपड़ा जी जो है वो अपना हेल्थ चेकअप जो है वो मेडिकल चेकअप जो है यहाँ पे करवा रहे हैं। एक बार आप इधर आ जाना। अच्छा थोड़ा पीछे भैया आप इधर आ जाओ रेडी।
हम एक बार आरुष जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर आज हेल्थ चेकअप में पहुंचे हो, किस तरीके से देखते हो, किस तरीके के इंतजाम? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। बेसिकली हमारी जो दादी जी थे उन्होंने बहुत समाज सेवा करी है और उन्हीं के सिद्धांतों को हम भी आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे सूरजमल जी ने और इस संस्थान के सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है और मुझे उम्मीद है कि हर साल इसे हम और बेटर करते जाएं। और इसके साथ साथ कुछ और एडिशंस भी करेंगे, सिर्फ ये नहीं, अभी मेरे ख्याल से हमें इसे एक अलग लेवल पे लेके जाना होगा। इतने 9 सालों से देख रहे हैं, लगातार लाखों लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है। अब जिस तरीके से कह रहे हो, आगे जो है वो और कुछ नई तैयारियां जैसे कह सकते हैं कि करने जा रहे हैं, क्योंकि जिससे लोगों का फायदा हो, समाज का फायदा हो, क्योंकि पंजाब केसरी समूह पहले से ही जो पिछले अगर बात कर जाए इतिहास इनका, तो देश हित की जो है वो कुर्बानियां और देश हित के लिए जो है वो काम करते आए हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये अभी तो नहीं मैं बताऊंगा, मगर अगले साल वो पता चलेगा, थोड़ा सरप्राइज भी रहना चाहिए। बट जैसे कि हमारे दादाजी हैं और हमारे परिवार की एक जिम्मेदारी रही है हमेशा कि हम लोग लोगों के हित में और लोगों की सेवा में जो कुछ कर सकते हैं उसमें हम समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। कहीं ना कहीं अरुष चोपड़ा जी हमारे साथ, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके का आयोजन जो है वो यहाँ पे किया गया है, कितने डॉक्टर हैं, क्या क्या हेल्थ चेकअप है? और सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी और सूरजमल जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने हमें मौका दिया एक इस कैंप के माध्यम से दो चीजें, एक तो निःशुल्क सेवाएं और दूसरा अवेयरनेस, जो आज की डेट में हमारा खान पीन, हमारा लाइफस्टाइल, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड एंड कोविड वैक्सीनेशन, जो हमने देखा है कि हार्ट की बीमारियां बढ़ गई हैं। पहले हम हार्ट के मरीज देखते थे 60 साल की उम्र के बाद, अगर कोई यंग पेशेंट आता तो हम सरप्राइज होते थे, बट आज की डेट में हम 30 साल 35 साल, कल एक 32 साल की महिला मेजर हार्ट अटैक के साथ आई। तो उसके साथ साथ इसके इस निःशुल्क सेवा के साथ साथ मैं चाहूँगा लोगों में अवेयरनेस जगे, लोगों को ये ना लगे कि हार्ट की परेशानियाँ सिर्फ 60 या 70 साल के बाद होती हैं। 10 साल पहले सिर्फ हम 70 साल या 65 साल के लोगों में ही हार्ट की बीमारियाँ देखते थे, बहुत रेयरली होता था, यंग पेशेंट देखते थे, अब यंग और एल्डरली ऑलमोस्ट बराबर हो गए हैं। कोई भी अनएक्सप्लेन सिम्टम हो उसको इग्नोर ना करें, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में लोग हार्ट अटैक को गैस मान लेते हैं और इनू घर पे इनू पीते हैं, उससे डैमेज हार्ट को हो जाता है। उसके बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो जो उनको फायदा मिलना चाहिए इलाज से वो नहीं मिल पाता, क्योंकि समय निकल जाता है। इसमें हम बोलते हैं जितने मिनटों का डिले उतनी मसल डैमेज। देख सकते हैं कि इस तरीके का आयोजन जो है वो फिलहाल यहाँ पे किया हुआ है। श्रीमती जो स्वदेश चोपड़ा जी हैं उनकी स्वर्गीय उनकी याद में जो है वो इस आयोजन का किया गया है, और साथ ही साथ आरुष चोपड़ा जी खुद यहाँ पे पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे थे, तमाम बड़े कह सकते हैं कि मंत्री यहाँ पे जो है वो इस हेल्थ चेकअप में आए, और भारी संख्या में लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ करके इस कैंप में पहुंचकर जो अपनी निःशुल्क जांच करवाई। और साफ तौर से यदि आप समय रहते अपने शरीर की जांच करवाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर बीमारियों से आप भी अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।